ऐसा कुछ रास्ता है, जस्ट एक गाड़ी खराब होने से दूसरा पार ही नहीं होता इतना, या फिर रोड खराब है, कटिंग चल रहा है अभी आगे तक। अगर आगे का ब्लॉक नहीं खुला हो तो आप लोग एक इससे भी खतरनाक वाला जगह देखने को मिलेगा। ये देखो ना यार, एकदम सामने पे नदी है। बीच बीच में मेरा को भगवान दिखाई दे रहा है। और रिंग जो निकल गया ना ऐसे वाला जो, तो हो जाएगा तो ठीक ही। चलो यार, जितना अंदर घुसते जा रहा है उतना रास्ता का कंडीशन खराब हो रहा है। एक तो उससे देख ही नहीं रहे अंदर, और आगे और भी खराब वाला रास्ता मिलेगा यार। यही पे हालत खराब है, जस्ट समझ लीजिए आप, चक्का का आधा हिस्सा जो बाहर में ही है उसी हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, तो ऐसे लग रहा है। लेकिन हाँ, एक दो थोड़ा गैप है, लेकिन जैसे ऊपर फिटने से ऐसे महसूस होता है कि एकदम बगल से चल रहा है। मेनली कटिंग का वजह से ऐसे है क्या, ये लोग इतना करके रखा है, जस्ट ये थोड़ा सा ही गैप है इसमें। यहाँ भैया जो ड्राइव नहीं किया कभी जिंदगी में, उसको यहाँ लाने से नहीं चला पाएगा ना। नहीं, ऐसा बहुत होता है नीचे जो आता है, हाँ जाता है। हाँ, प्लेन वाला लोग नहीं हो पाएगा यार, तकलीफ हो जाएगी उन लोग को ना। जो प्लेन में आसाम से मैं प्लेन में हमें तो चलाता हूँ, उन लोग नहीं आ पाएगा। ये बहुत तकलीफ वाला रास्ता है। अभी आगे कटिंग चल रहा है, जिस वजह से यहाँ गाड़ी रुका पड़ा है। अभी और एक से दो घंटा बाद रोड खुलेगा, वो कटिंग चल रहा है, तो अभी यार रास्ता बंद है। और जो बोला था ना कि यहाँ का ऊंचाई क्या है यार, आप देख के देखो यार, ये जाम खड़ा है ना, इसके जस्ट बगल से गाड़ी चलते है। और नीचे का हाइट गेस करो यार, इतना नीचे पे नदी है, जस्ट यहाँ से एक दो कदम, यहाँ से एक इतना ही कदम पे जस्ट गाड़ी चलते है। तो अगर इनकेस थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो गाड़ी तो क्या बोलना यार। यार ये रोड रिक्स का साथ हमारा ट्रक ड्राइवर चलता है, यहाँ का जो ट्रक ड्राइवर है ना वो इंडियन आर्मी से कोई कम नहीं है यार। इन लोग हर जरूरत का चीज़, जैसे इन लोग कभी चिप लेके जा रहे रास्ता बनाने के लिए, अगर इन लोग ना चले ना ये रास्ता ही नहीं बने, तो सीओमी तक कभी रास्ता ठीक होगा ही नहीं जब तक ये ट्रक ड्राइवर्स नहीं होगा। तो रेस्पेक्ट करना चाहिए ट्रक ड्राइवर्स को भी यार, ये भी कोई आर्मी से कम नहीं है। अब यही चीज़ को गेस करो ना, आपको यहाँ आने देखे ट्रक चोरी, आप समझ लीजिए एक कार ही चला के आए, आप ये रास्ता में चलाना चाहेगा। ये है जस्ट वो सामने कटिंग चल रहा है, अभी थोड़ा देर में खुलेगा यार। ऐसे रास्ता है, अगर गिरा तो डायरेक्ट वो सियोम नदी है, सियोम में गिर जाएगा। और ये हमारा ट्रक जहाँ से आया था, डंपर है आई थिंक अशोक लेलैंड का। इंसिडेंट भी इससे होता होगा ना भैया, इंसिडेंट भी बहुत होता होगा ना इससे तो। हाँ ये वाला, जब हम उस दिन आ रहा था वो परशुराम कुंड जाने वाला रास्ता में, ऐसे नीचे में एक डंपर पड़ा हुआ था, गिरते रहते हैं वो, तो ऐसे जस्ट लोडिंग को पीछे ले जाते समय शायद वो गिर गया क्या, ऐसे में वो फेंक रहा था बहुत नीचे। ये ये फेंक के देख लो, इतना ऊंचाई पे यार पत्थर ही गायब हो गया जा रहे ना। अभी नदी तक तो फेंक सकते, रुकना पड़ेगा, ये कहाँ तक जाएगा। जितना दूर दिखते हैं मारने से सामने दिखने से भी बहुत दूर जाते हैं। संभव क्या? आप मत चला जाना, मत चला जाना। किधर गया ये? यहीं पे है। वो कितना दूर जाएगा अभी दिखते? वो लग रही थी नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचते।
कटिंग तो खुल गया, अभी फिर जाना है। उठो फौजी पार्टी। ये कंप्लीट हो गया ना, उसके लिए हमें अभी क्लॉक नहीं है ना। हाँ यार, रास्ता ऐसे क्रॉस करना पड़ता है इधर, तो ऐसे कुछ रास्ता है छोटा सा। चलिए आगे जाओ। तुझे यार अच मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। अभी शाम का 4:30 हो गया यार। एवरी 10 या 12 किलोमीटर, 10-12 भी नहीं ना, 5-6 किलोमीटर में ही रोड कटिंग चल रहे हैं ना। 5-6 किलोमीटर में रोड कटिंग चल रहे हैं, जिस वजह से अगर 5:30 तक हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा तो रात को रास्ता पे ही रुकना पड़ेगा। तो अभी 4:30 लगभग एक घंटा में पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज आज यही रास्ता में स्टक होके रहना है। कौन सा जगह बोला? लास्ट सियांग और सियोमी का जो बॉर्डर है उसमें भी एक कटिंग चलता है, जो 5:30 को रोड क्लोज हो जाएगा। तो अभी उसी को ये करने के लिए, पहुँचने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हाँ पहुँच जाए, रात को वहाँ नहीं रुकने हैं। ऐसे जितना जल्दी हो रहा है इतना आगे गाड़ी लोग दिक्कत कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि अभी अभी रोड कटिंग चला है तो उस वजह से पूरा आगे गाड़ी है। तो या तो एक ही वन लेन है तो साइड भी नहीं दे सकते, ओवरटेक भी नहीं कर सकते। बस होप है कि 5:30 तक पहुँच जाए। आगे पोकलेन का कैरियर चल, पोकलेन का कैरियर चल रहा है और आगे और डंपर भी चल रहे हैं, तो साइड ही नहीं दे पा रहे। और अभी टाइम तो हम लोग के पास लगभग एक घंटा ही है, एक घंटा में हम लोग को पहुंचना है नेक्स्ट, जहाँ कटिंग चल रहा है वहाँ तक। पहुंच जाने से तो ठीक है, नहीं होने से वही भैया लोग का साथ रुकना होगा रात को। रास्ता ऐसे अजीब सा कटिंग करके रखा है, थोड़ा सा साइड में डायरेक्ट नीचे है, तो ये एकदम वन वे पे है, तो साइड भी नहीं, ओवरटेक भी नहीं हो रहे यार। और लेकिन जस्ट चक्का बाहर आने के लिए, लेकिन ये 12 चक्का निकल तो जाएगा लेकिन ना भाई, लगता आराम से एक निकलने से भी तो एक तो चला ही जाएगा। तो शायद एक्सपीरियंस नहीं होता है इन्होंने इतना, एकदम चक्का बाहर का काफी कट जाएगा, इतना डरता है और इतना शॉर्ट लेता है उतारने। हाँ सर, बैग आई है, बैग बैग पीछे आई, अगर आपको डर लग रहा है तो। शायद नया से चलाया होगा ना भैया, शायद हम लोग जैसा नहीं होता होगा। इस तरफ काट, हाँ और जाइए जाइए, चला जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। शायद ये ज्यादा बाहर में नहीं आया होगा ना, लेके तो आया ऐसे रोड पे हो गया एक बार। सिंगल टायर है, टायर है ना, उसका तो उसका तो, और एक अला निकल भी जाए तो भी एक तो रहेगा ना। बस अभी होप यही कर रहे हैं कि आगे जो पोकलेन कैरियर है वो बहुत देर करा रहे हैं, शायद वो अच्छा से नहीं आता होगा, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचना है और आगे डिस्टर्बेंस भी हो रहे हैं। इसको तो भैया ओवरटेक करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पीछे ही करते रहना है बस। हाँ इधर हो सकेगा, हाँ ये ओवरटेक करने का मौका मिल गया। सब डरता है,
सब डरते हैं ना। मतलब एक बार गाड़ी रुक गया तो फिर उतना मुश्किल है बहुत मुश्किल है, ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि नहीं रुकेगा बाइक। उन्हें बोल के देखे इसमें टायर को भैया लुक में जो रिंग निकल गया था ना उसको चेंज करेगा करेगा कि नहीं बोल के भैया लुक इसके बाद आगे बढ़ेगा या कुछ दुकान ऐसे में कुछ बैठ रहे थोड़ा देर में अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ा देर। बहुत लंबा सफर था यार, 7 से 8 घंटा पूरा इधर से उधर सेम वही रास्ता कर करके थक गया यार। अभी थोड़ा देर इधर बैठ लेगा और उसके बाद आगे चला जाएगा। आज देख लिया कि ट्रक वाला का जिंदगी आसान नहीं यार, बहुत तकलीफ है। इतना तकलीफ की यार हम लोग सहा नहीं जाता, इतना तकलीफ है। लगभग हमको लगा काइंग से यार 8 घंटा से 60 घंटा लगा, अभी भी और 30 किलोमीटर दूर है तो उसके लिए 2 घंटा लग जाएगा। तो यार थोड़ा रेस्ट कर लेगा भैया लोग भी थक गया और गाड़ी भी गर्म हुआ है बोले तो थोड़ा रुकने का निकल जाएगा। अगर कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, सब जो ट्रक ड्राइवर्स है ना वो अंदर बैठ के दारू पी रहे ये कर रहे हैं तो सब नशा में है, तो हमको तो पीने तो मन नहीं है। पीता तो हूँ लेकिन ऐसे ड्रिंक इतना रेगुलरली नहीं करता, तो उन लोग बैठ के पी रहे तो मैं बाहर होटल का बाहर वेट कर रहा है कब होगा खुल के। वो जो भैया वो जो लेके आया था वो नहीं पी रहे लेकिन जो गाड़ी को ठंडा होने देने के लिए थोड़ा देर रखा। अभी होने से जो दांतों है दांतों में आचरण होल करेगा वो लगभग 3 घंटा या 2 घंटा और है। 30 किलोमीटर से जाने के लिए भी 2-3 घंटा लगेगा। अभी वही देखना है कि आज कहाँ होल करे दांतों में। आई थिंक भैया बोला कि जा उन लोग रुक जाएगा वह साथ में रुक जाओ बोले, तो उन लोग भैया का जो एनिमेट था वो साथ में खाना खा रहा है अभी, तो वो ख़त्म हो जाने का अभी यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे जो होने है इसमें वो जो आदमी का एक ड्राइव्स है वो बैठता है तो अंदर बात करके बैठ रहा था हम लोग बहुत अच्छे से आग ताप के, लेकिन अंदर सब का माहौल अलग है तो सोचा बाहर आके मैं बात कर लूँ, इसीलिए बाहर आके यहाँ रुका हुआ है। और हम लोग का ट्रैप हुआ खड़ा है, अभी थोड़ा देर में निकलेगा और ये शायद रात को भी या कंटिन्यू ट्रक आना जाना चलता है या शायद स्टेन होता होगा, तो ये कुछ एक ट्रक आया ये भी यहीं पे रुकेगा अभी, तो हम लोग भी थोड़ा देर में यहाँ से निकल जाएगा और भैया लोग अंदर खाना खा रहे हैं। रात का 8:30 हो गया यार, अभी इर्को बोल के एक जगह जहाँ तक मुझे भैया या कुछ सामान गिरा रहा है तो उसी के वेट चल रहे हैं। और बाकी इतना दूर होगा कि उम्मीद भी नहीं किया था यार, मैंने भी कभी मैं चुका या नहीं, सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से देखा था कि जल्दी पहुंच जाएगा आदमी, यहाँ आके पता चला तो पूरा रात भर जर्नी हो रहा है। रात भर जर्नी मतलब 8 घंटा ऐसे से काइंग से शुरू होके अभी तक नहीं पहुंचा, थोड़ा देर में पहुंच जाएगा। तातो से मैं चुका और भी आ गया यार, जस्ट तातो से 5 या 6 किलोमीटर आगे जहाँ भैया लोग ट्रक स्टैंड करते हैं वहीं पे टेंट लगा लिया। अभी रात का लगभग 11 या 10 बज गया, मैंने टाइम एग्जैक्ट देखा नहीं, बहुत देर से चल रहा था रोड जगह जगह पे ब्लॉक हो रहा था। फाइनली यहाँ तातो का आसपास रात का 11 बजे ऐसे का पहुँचा और यहाँ से अभी तातो है 5 किलोमीटर दूर, तो भैया कल सुबह तातो तक तो हमको छोड़ देगा, उसका आगे मेचुका के लिए भी कुछ एडजस्टमेंट करके देख देगा बोला, अगर नहीं होता तो भी हम लोग एडजस्ट कर लेगा। रात को जहाँ क्रसर से ना क्रसर जब ग्रेप का केम है उसका सामने में टेंट लगा लिया, ऐसे कुछ है ये टेंट का एरिया, यहाँ लगा लिया और ऊपर भैया लोग सो रहे और गाड़ी में हम लोग टेंट में है। तो अभी यहाँ कुछ मैगी बना लेगा खाने के लिए और सो जाएगा अंदर। तब तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह मेचुका के लिए यहाँ से निकलना है। आज यहीं पे वीडियो को एंड करेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैगी का बंटवारा चल रहा है, एक भी पीस किसी को ज़्यादा नहीं जाना है हम लोग और ये प्रियम को देखभाल करने रहता है, मैगी जला दिया भाई भुजिया भी घुसा दिया ये मैगी पे, तो अभी थोड़ा यार पेक से चल रहे हैं हम लोग यार, बहुत थक गया आज का मेहनत यहीं पे।